बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया। मैं ख़ासकर कराची के हवाले से बात करूंगा कि कराची के अंदर रोज़ बरोज़ हालात ख़राब होते जा रहे हैं, डकैतियाँ सरेआम हो रही हैं, मोबाइल स्निचिंग और हर इलाके में मंशियात, ख़ासकर मंशियात जो मैं अपने हल्के का बता दूँ कि मंशियात बहुत ज़्यादा और सरेआम बिक रही हैं। अफसोस की बात है कि वज़ीरे आला पैसे बनाने में लगा हुआ है और हर इलाके में जो SHO लगाया जा रहा है 40-50 लाख रुपए SHO का रेट इस टाइम चल रहा है वहाँ पर पूरे कराची के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल चैन की नींद सोए हुए हैं। और मैं अपने हल्के के हवाले से खासकर माहीगीरों का बता दूं कि ये तो बहुत ज़्यादा माहीगीरों के हमदर्द बनते फिर रहे हैं। माहीगीरों के वहाँ इन्होंने बोट्स बंद करा दिए थे और हमने जाके वहाँ अलीम भाई ने और हमने जाके उनसे वो एहतजाज किया और हमारे एहतजाज से ही मजबूर होके वो बोट्स इन्होंने खुलवाए। जजीरों के अंदर जो हालात है, हालांकि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ पीपल्स पार्टी वाले वोट देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। मेरे वहाँ बाबा आईलैंड हो गया, यूनिसबाद, शम्स पीर और बाबा आईलैंड, वहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। वहाँ पर ना डिस्पेंसरी है, ना स्कूल है, ना पीने का पानी है। शर्म का मुकाम है पीपल्स पार्टी के लिए। खाली यहाँ सिंध के अवाम हमारे सिंधी भाइयों के जज्बात के साथ खेलते हैं। 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी को इस सूबे के अंदर, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई एक शहर पीपल्स पार्टी बता दे जिसे इन्होंने रोल मॉडल बनाया हो। पिशावर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो सहूलत दे दी, BRT, वहाँ रोड ब्रिज हर दे दी। आज लाहौर के अंदर मेट्रो का इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन कराची शहर और सिंध का हर शहर कंडर बना हुआ है। 12 साल से पीपल्स पार्टी ने कोई सहूलत नहीं दी।